अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे, ये बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल लेते हैं और उन्हें काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको आज बता दें कि दोस्तों चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होता है, एकता से रहने वाला जीव होती है। अगर आप देखते होंगे जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो जब भी उसे समझाया जाता है या जब भी मोटिवेशनल टॉक्स सब सुनते होंगे उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। दोस्तों जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है पर फिर भी चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठती जब तक वो दीवार को पार ना कर ले। दोस्तों अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे डरना नहीं है। आपको हम आज बताने वाले हैं कि चींटियां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या महत्व रखती है, आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती है या अशुभ योग लेकर आती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती है। दोस्तों अगर आपके घर में भी चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे सके, और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। तो दोस्तों अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर ज्योतिष शास्त्र में चींटियों को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ये चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपके सेहत पर बहुत असर डाल सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां यानी भूरे रंग की चींटियां ज्यादा है या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चींटियों से। हमारे धर्म में बताया जाता है कि 84 लाख योनियों में बार बार मनुष्य घूमता है, मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती है और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री भगवान विष्णु का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों जो लोग चावल को चीनी में मिला करके चूर्ण बना करके चींटियों को आटा डालते हैं उन्हें दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही है, जीवन में बाधाएं आती जा रही है, तो दोस्तों ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय कर लें। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम, बस चींटियों को नारियल का सूखा बूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहे तो उसे घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना लें और उसमें थोड़ा सा चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें, तो दोस्तों निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही है या आपके घर के आसपास है वो सभी आपसे दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों आप खुद देखेंगे थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाइए और आप देखेंगे अगर आप जॉब में नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आपके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज चढ़ गया है तो वो भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलानी चाहिए।
दोस्तों आपको हम बताते हैं कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है, या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों बात करते हैं ग्रह दोष की। शनि, राहु, केतु इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पापी ग्रह का निवारण चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर होता है ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, साढ़े सती हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो तो आपको भुने हुए आटे में जैसे हम पंजीरी बनाते हैं वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती है वो दूर हो जाती है और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों काफी बार आप देखते होंगे कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाता है और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है। चाहे आप कितने ही स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर लें, कितने ही घरेलू उपाय आप कर लें, दवाइयां लगा लें, दोस्तों कई लोगों के सर में अचानक खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होता है और इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है। हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो ये जरूर करें, और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके खिलानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रही हैं और आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं तो आपको 43 दिनों तक यानी 43 डेज तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना ले, आटे को भून ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बना ले और चींटियों को रोज डाले। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृ दोष संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो दोस्तों पितृ पक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। पितृ दोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृ पक्ष में भी करना है और इसके बाद हर अमावस्या को करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को जरूर खिलाइए। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित है तो आपको कुछ चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी होती है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर बरसने लगेगी। दोस्तों चींटियां देखने में बहुत ही छोटी होती है, वो होती तो छोटी है पर इनके काम बहुत बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वो हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है, वो शुभ संकेत दे रही है या अशुभ, ये आप कैसे जान सकते हैं आइए आपको बता दें। दोस्तों जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको चींटियों को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करना है, आप ऐसे में फिनाइल से पोछा लगा सकते हैं। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, पर अगर फिर भी उसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो ये शुभ संकेत है और आप इस बात को मान ले कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों सुख और ऐश्वर्य आपके घर में निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशली अंडा लेकर के चलती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बड़े परेशानी और विपदाएं आपके घर को घेरने वाली है, बड़ा नुकसान होने की संभावना है, घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय चींटियां निकल जाए या चींटियों की बांबी दिखाई दे जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहाँ चींटियां खत्म हो जाए तब वहाँ मकान की नींव डालनी चाहिए। आइए अब आपको बता दें कि सपने में चींटियां दिखे तो क्या फल मिलता है। अगर सपने में आपको कम चींटियां दिखाई दे तो ये संकेत है दोस्तों कि आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपको धन लाभ होने वाला है। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखाई दे तो समझ जाइए कि जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है। दोस्तों सपने में चींटियों को मारते देखना सफलता ना मिलने के संकेत है। और सपने में तो क्या, अगर आप घर में भी चींटियां हो जाए तो चींटियों को भूल से भी जानबूझकर के ना मारे। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्लभ बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।